हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगेन आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का फुल डे बिजी रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, अराउंड 5:30 है और यहाँ पर मैंने अपनी डॉटर के लिए फ्रूट्स वॉश करके पैक किए हैं और उसकी वाटर बॉटल फिल कर दी है। मील प्लान के अकॉर्डिंग आज वेजिटेबल उपमा बनेगा, आज मंडे है। ऑल्सो लंच डिनर का मेन्यू भी मैंने लिखा हुआ है, तो मील प्लानिंग का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। और अगर डिसाइडेड हो कि हाँ मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट बनेगा, तो मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होती है और ये चीज़ मैं ना कई ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ। तो उपमा का सामान मैंने निकाल लिया है और मेरी डॉटर अभी लंच नहीं ले जाती है, उसके स्कूल में इस सेशन के लिए लंच फ्री है सारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट सेशन से वो लंच लेकर जाएगी। और उपमा की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, आई थिंक ऑलरेडी शेयर की हुई है। सो ब्रेकफास्ट मैंने बना के रख दिया है, उसके बाद मैंने अपनी दोनों डॉटर्स को जगाया और उनको टर्न बाय टर्न रेडी किया है फॉर द डे। उनको मैं मॉर्निंग में वार्म शावर दिला के ब्रश वगैरह करा के रेडी कर देती हूँ, इससे बच्चे पूरे दिन फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है दोनों के लिए, और हम लोगों के लिए मैं बनाऊँगी चाय। तो ये मेरी दोनों डॉटर्स का ब्रेकफास्ट है, उपमा है और थोड़ा सा दूध है, और दूध में हल्की सी चीनी डाली है मैंने। और यहाँ पर हमारी सुबह की चाय भी बनकर तैयार है। जब मैं सिया और भूमि को रेडी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने चाय बनने रख दी थी। उसके बाद मेरी डॉटर का स्कूल का टाइम हो गया है तो मैं उसको ले आई हूँ बस स्टॉप पे, और मेरे हस्बैंड की अगर सुबह कोई कॉल नहीं होती है तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो सिया को बहुत अच्छा लगता है। और घर वापस आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं उनका ब्रेकफास्ट जो है उनके रूम में ही दे आऊँगी, तो अपनी डेस्क पे मीटिंग सुनते हुए ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और भूमि के लिए मैंने थोड़ी देर राइम्स चलाई हैं और मैं शावर लेने जाऊँगी। तो वापस आई हूँ शावर लेके, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ूंगी। जोत वगैरह मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जला चुके हैं क्योंकि घर में सबसे पहले वही रेडी हो जाते हैं। और ओवरनाइट प्रिपरेशन में मैंने रात को ब्लैक चने सोक किए थे और जो येलो मटर होती है वो सोक की थी, तो ब्लैक चने मैंने वॉश करके ड्रेन कर लिए हैं। और इसके बाद मैं इनको ना प्रेशर कुक करूँगी पानी और थोड़े सॉल्ट के साथ 7-8 विसल के लिए। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक कप चाय है गर्मा गर्म और उपमा है, ऊपर से मैंने सेव भुजिया डाल ली है। थोड़ा बहुत भूमि मेरे साथ खाती है, उसका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो गया है, लेकिन मैं उसको देती रहती हूँ कि मेरे साथ भी थोड़ा बहुत खा ले। और उसके बाद फिर मैं अभी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, जो घर के काम है ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा क्लीन करना, क्योंकि बच्चों के साथ तो सामान इधर उधर फैल ही जाता है। और जो भी खाना बच जाता है उसे मैं बहुत अच्छे से स्टोर करती हूँ, सो दैट खाना वेस्ट ना हो। खाना बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है और फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर चने भी हैं जो रेडी हो गए हैं, तो ये मैं प्रेस करके देख लूँगी, ये पक गए हैं। आलू चना बनाऊँगी तो आलू मैं माइक्रोवेव में ही रेडी कर लूँगी। माइक्रोवेव में पोटैटो का एक अलग से ऑप्शन है और मैंने कुछ दिनों पहले उस ऑप्शन को ट्राई किया, बहुत अच्छे से उसमें कुक हो जाते हैं। और बच्चों के टॉयज़ में से कुछ फालतू का सामान जो है वो हटा रही हूँ, जैसे कि कुकिंग स्पून, बोल्स, क्या क्या ये लोग ले आते हैं, बिल्स वगैरह रख लेते हैं गेम खेलने के लिए। और लॉन्ड्री डिटर्जेंट ख़त्म हो गया है, उसका जो डब्बा है वो फेंकना है। ऑल्सो ये जो आप वाइट बैग देख रहे हो, इसमें सिया भूमि के कुछ कपड़े मैंने स्टोर किए हैं जिनको डोनेट करना है। और हाइड्रेशन के लिए ज़रूर पानी पीते रहिए पूरे दिन। तो अभी मैं भूमि को लेकर जा रही हूँ, थोड़ा ट्रैश करना है और गाड़ी में जो कपड़े हैं वो डाल दिए हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम बाहर जाएँ तो डोनेट करने का याद रहे। थोड़ा बहुत बच्चों को फ्रेश एयर में लेकर जाने से उनका भी मन लगा रहता है और हमारा खुद का भी मन लगा रहता है। सुबह के टाइम हल्का ठंडा हो रहा था इसलिए मैंने खिड़की नहीं खोली थी, अभी मैं ओपन कर दूंगी विंडो सो दैट फ्रेश एयर घर में आए। और भूमि को स्नैक्स में मैंने बनाना दे दिया है, उसका ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है तो उसको भूख लगने लग गई थी। उसके बाद भूमि रबर बैंड्स ले आई है तो मैं भूमि के बालों में हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को जो होता है वो लगा रही हूँ, और उसकी चोटियाँ बना दी हैं, बहुत क्यूट लगती है चोटी बना के। ऑल्दो ये ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी बट फिर भी देखिए कितनी क्यूट लग रही है।
और भूमि थोड़ा बहुत अपने आप खेलेगी, इधर उधर एक्सप्लोर करेगी, तब तक मैं यहाँ पर बना देती हूँ सब्ज़ी आलू और चने की। चलिए रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम हुआ, उसमें हींग जीरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने अनियन, जिंजर और गार्लिक को फाइन चॉप करके ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट इसको फ्राई करने के लिए, और आटे का डो रेडी करूँगी। तो मॉर्निंग में ही मैं आटे का डो इस तरह से रेडी करती हूँ कि मॉर्निंग के लिए और डिनर के लिए दोनों के लिए हो जाए। और यहाँ पर मैंने टमाटोज ऐड कर दिए हैं, मसालों में हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चना मसाला, ये सारे मसाले डाले हैं। फ्लेम कम कर दिया है और इसको सॉटे करते हुए थोड़ी देर कुक करूँगी और उसके बाद कवर करके हम कुक करेंगे, तो इससे जो मसाला है वो जल्दी रेडी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। और आटे का डो रेडी करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ, इससे रोटियों में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऑल्सो आलू जो है वो बॉयल हो गए हैं, इनको ठंडा करके और थोड़ी देर बाद इनको चॉप कर दूँगी। तो देखिए आलू अच्छे से कुक हो गए हैं। और कुकिंग करते करते कोई ना कोई चीज़ जो वॉश करनी है वो मैं रखती रहती हूँ, इससे काम जो है थोड़ा इजी होता रहता है। और यहाँ पर मसाला रेडी हो गया था तो मैंने ब्लैक चने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है और बॉयल्ड पोटैटोज़ जो थे वो ऐड कर दिए हैं। ये रेसिपी ना मैंने कहीं पर खाई थी सब्ज़ी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैं फिर ये ट्राई कर रही हूँ। और कवर कर दीजिए, सॉल्ट कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। फिर से थोड़ी चीज़ें जो क्लीन करनी थी वो रख दे रही हूँ, तो साथ के साथ ना काम ख़त्म होता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। सब्ज़ी को भी चेक कर लूँगी कि कहीं सब्ज़ी बेस में ना लग जाए, और आटे का डो जो है वो रेडी कर लूँगी। और इसको ना एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तक अच्छे से पकने दीजिए। आटा रेडी हो गया है और सैलेड में मैं कुकुम्बर्स कट करूँगी, तो ये मैं दो कुकुम्बर्स कट कर रही हूँ सो दैट लंच और डिनर दोनों के लिए हो जाएंगे ये। और यहाँ पर आलू चना की सब्ज़ी रेडी हो गई है, गैस मैंने बंद कर दी है, थोड़ी देर इसको सेट होने दीजिए। धनिया मैंने ऑलरेडी साफ़ करके एक एयरटाइट डब्बे में रखा हुआ है, थोड़ा सा धनिया लेके वॉश करके चॉप कर लूँगी। और वैसे तो मील प्लान के अकॉर्डिंग मुझे रायता बनाना था, लेकिन मैं सिंपली दही सर्व कर रही हूँ। और इस वीक मैंने दही होममेड वाली नहीं बनाई है, क्योंकि ये मार्केट से ले आए थे तो अब पहले यही ख़त्म करेंगे। और ये तीनों बोल्स में मैंने दही डाल ली है, एकदम फ्रिज से निकाली हुई दही सर्व नहीं करती हूँ, थोड़ा देर उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो और तब तक रोटियाँ सेकूँगी, तो इससे ये होता है कि दही नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी और खाने में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है बच्चों को या फिर हमें। और चलिए फिर रोटियाँ सेक लेते हैं। और आलू चना की सब्ज़ी भी सेट हो गई है, यहाँ पर हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेश हरे धनिए के साथ, एंड उसके बाद मिक्स करेंगे एंड थोड़ी देर और कवर कर देंगे। और ये सब्ज़ी सबको अच्छी लगी, पुष्पेंद्र को और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ या फिर राइस के साथ भी यू कैन हैव इट। और ये है भूमि का लंच, सब्ज़ी है, थोड़ी दही है, सैलड है, और भूमि को मैं गमीज़ देती हूँ मल्टीविटामिन वाली जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है। और ये है मेरा लंच, सब्ज़ी, दही और थोड़ा करेला भी है जो मैंने वीकेंड पे बनाया था। उसके बाद जो चीज़ें जहाँ जहाँ बिलोंग करती हैं थोड़ा बहुत सामान उठाकर रखूँगी। और ये देखिए मेरी डॉटर भूमि वहाँ जाके आराम से लेट गई है और बोल रही है मम्मा मुझे ब्लैंकेट उड़ा दो, सुला दो, मैं यहाँ का काम यहीं स्टॉप कर देती हूँ इस टाइम पे। और यू नो और यहाँ पर जो दो बर्तन वगैरह रह गए हैं ये सब बाद में धोऊंगी, तो काम तो किचन के कभी ख़त्म नहीं होते, हमको ही पॉज देना पड़ता है। और अभी हैंड वॉश करके लाइट वगैरह ऑफ करके मैं जा रही हूँ और विंडो ऑफ करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको ब्लैंकेट उठा के सुला दूँगी, ये उसका फेवरेट ब्लैंकेट है। और यहीं बैठूंगी थोड़ी देर, उसके बाद बहुत जल्दी वो सो जाती है, उसका नैप टाइम होता है ये, तो और तब तक मैं थोड़ा बहुत कुछ देख रही हूँ अपना एडिटिंग का या समथिंग। सो गई है वो, तो मैं लैपटॉप लेके बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देखती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। समटाइम्स काम नहीं करती तो पुष्पेंद्र की अगर मीटिंग नहीं होती है तो उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, हम लोग बात बात करते रहते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये जो आफ्टरनून का टाइम है जाता है। और भूमि यूजली 1.5 आवर या 2 आवर्स की नैप लेती है, नॉट मोर देन दैट। और
लंच के बाद मंचिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। तो मैं यहाँ पर विंडो के पास बैठ के ये फनल सीड्स खा रही हूँ, ये बड़े ही टेस्टी हैं। और लैपटॉप वगैरह उठाकर रख दूँगी। भूमि का जगने का टाइम हो गया है। यूजुअली तो वो अपने आप जग ही जाती है, लेकिन अगर वो और ज़्यादा सो रही है तो मैं जाके उसके पास लेट जाती हूँ और इस तरह से वो जग जाती है फिर। और भूमि थोड़ी देर यहाँ सोफे पे आ गई है, उसको उसकी किट्टी दे दी है मैंने। इसके बाद मैं जो बाकी काम पॉज किया था उसको फिर कंटिन्यू करूँगी। बर्तन वगैरह सब धो के रखूँगी, काउंटर्स वगैरह साफ़ करूँगी, सब्ज़ी निकाल के उसको फ्रिज में रख दूँगी कि ख़राब ना हो जाए, मॉर्निंग में बनी है। और इस तरीके से मेरा किचन जो है वो ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो गया है। और ये देखिए बर्तन वगैरह भी सब मैंने धो के रख दिए हैं। तो इस टाइम पे ना मुझे अपनी डॉटर सिया को पिकअप करने जाना होता है बस स्टॉप पे। भूमि कुछ खाने के लिए मांग रही थी तो उसे काजू खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसे सिंपली इस तरीके से काजू देती हूँ। उसके टीथ सब प्रॉपर आ चुके हैं तो वो अच्छे से चबा के खा लेती है। और थोड़ा बहुत जो सामान फैला है उसको फिर से उठा कर रख दूँगी, ये तो चलता ही रहता है। और अल्टरनेट डेज़ पे मैं वाइप करती हूँ फ्लोर को। आज वाइप का टर्न नहीं है, आज सिंपली झाड़ू लगा दूँगी। इतना गंदा भी नहीं होता है क्योंकि हम शूज़ वगैरह सब गेट पे ही उतार देते हैं, तो सिंपली झाड़ू लगाने से भी काम चल जाता है। और नेक्स्ट डे वाइप करूँगी। और अब जाऊँगी मैं और भूमि, हम दोनों जाएंगे सिया को पिकअप करने। तो अगेन फ्रेश एयर में जाना, तो यू नो इट इज़ रियली गुड कि बच्चों को और ख़ुद भी आप फ्रेश एयर में जाएँ। और आज सिया की डिमांड आई है कि उसको ओरियो मिल्क शेक पीना है। तो मैंने कभी बनाया नहीं है, बट मैंने इसे ट्राई किया। मैंने बनाना ऐड किया, एक थोड़े मैंगो के पीसेस ऐड किए, एक ग्लास मिल्क और दो ओरियो बिस्किट्स डाले और इसको ग्राइंड करके स्मूदी बना दी। तो सिया को बहुत पसंद आई, उसने पूरी फिनिश कर दी। लेकिन भूमि को स्मूदीज़ कम पसंद आती हैं, उसने थोड़ी बहुत ही ट्राई की। और ऑल्सो मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस तरह से सोक किए थे इनको, वॉश करके ड्रेन करके एयरटाइट डब्बे में रख रही हूँ। जब मैं कुक करूँगी उसी दिन बॉयल करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना ली है। ऑल्सो ब्रेकफास्ट से ये उपमा बच गया था, इसको वार्म कर लिया, थोड़ा सा सेव भुजिया डाला और सर्व किया है। चाय वगैरह हो गई है सबकी। अराउंड 4 बजे के आसपास मैं बच्चों को लेके बैठती हूँ और थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि क्या पढ़ाई चल रही है। किचन पूरा साफ़ है तो पीसफुली मैं बैठती हूँ, कुछ ये नहीं रहता कि बहुत सारे काम पड़े हैं। मोस्ट ऑफ़ द काम मॉर्निंग में हो चुके हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं तो उन दोनों के लिए मैंने थोड़ी टीवी चला दी है। और इस टाइम पे मेरा ब्रेक टाइम होता है, बेसिकली मैं जाके अंदर रूम में थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और शाम को पुष्पेंद्र बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रहे थे तो मैंने डिसाइड किया कि जिम जाने की बजाय मैं भी बाहर ही जाती हूँ। इनफैक्ट बाहर जाना ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है, जिम में एक जगह पे वॉक करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही मोस्ट ऑफ़ दैट काम कर लिए हैं तो अभी डिनर बनाने का टेंशन नहीं है, तो इस तरह से मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। वापस आके हैंड वॉश वगैरह किए, बच्चों के हैंड वॉश कराए और मैं रोटियाँ सेक दूँगी। और आज हल्का सा गर्म मौसम हो गया है शाम को, तो मैं दही सर्व कर रही हूँ दोनों को। और ये देखिए दोनों गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाना खा रही हैं। और ये है मेरा डिनर आज का, रोटी है, सब्ज़ी, हरी चटनी। हरी चटनी मैंने वीकेंड पे बनाई थी। और इस तरीके से हमारा जो डिनर है आज का डन हो गया है। देखिए मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, फिर से अंधेरा हो चला है। और यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर दूँगी, जो धुले हुए बर्तन हैं उनको वापस उनकी प्लेस पे लगा दूँगी और डिश वॉशर में डालूँगी बर्तन। तो इस तरह से जो किचन है वो रात को ही मैं क्लीन करके सोती हूँ। और कई बार होता है कि ऐसे मन नहीं करता कि रात को ना क्लीन करो, बट मैंने देखा है अगर रात को किचन ना क्लीन हो तो अगले दिन सुबह जब उठो पूरा मैसी किचन होता है और पूरा दिन बहुत ही अनप्रोडक्टिव सा जाता है। तो कभी मन ना भी हो तभी मैं किचन जो रात को क्लीन करके डेफिनेटली सोती हूँ। गैस स्टोव वगैरह पहुँच दूँगी। पहले मैं सिल्वर फॉयल लगाती थी लेकिन अभी सोसाइटी में इंस्ट्रक्शंस आए हैं सिल्वर फॉयल नहीं लगाने, तो इसीलिए मैं इस तरह से स्प्रे करके पहुँच देती हूँ। लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूँगी और इस तरह से आज का मेरा जो मॉर्निंग से नाइट रूटीन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी मैं कुछ और शेयर करने वाली हूँ। हे गाइस, सो आज का डे काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और मैंने सुबह से लेके अब तक आप लोगों के साथ शेयर किया। ऑल्सो अभी सिया और भूमि दोनों सो गई हैं, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, तो थोड़ी देर आके यहाँ पर आराम से बैठी हूँ, देखती हूँ टीवी देखूंगी या फिर थोड़ा बहुत कुछ करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो अराउंड 9:30 9:45 तक सो जाऊँगी।
और दोनों को ना थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ ग्लास मिल्क दे दिया था उनके पापा ने, जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप में से ना कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मेरी दोनों डॉटर्स अकेले सो जाती हैं, तो हाँ वो दोनों अकेले सो जाती हैं और काफ़ी पेशेंस के साथ मैंने उनकी इस तरह से ना रेगुलरली प्रैक्टिस करी, तब जाके उनकी हैबिट फॉर्म हुई है। तो सिया के टाइम पे मैंने क्रिब नहीं ली थी, तो हमेशा से ही मैंने उसको अपने साथ बेड पे सुलाया था, तो वो बहुत हैबिचुअल थी कि वो मेरे साथ ही सोती थी। और भूमि के टाइम पे मैंने क्रिब भी ली थी, लेकिन भूमि दिन में तो क्रिब में बहुत अच्छे से सो जाती थी, लेकिन रात को वो डेफिनेटली मेरे साथ ही को स्लीप करती थी। तो इससे क्या हुआ कि सिया और भूमि दोनों की ना को स्लीपिंग की हैबिट बन गई, तो डेफिनेटली उनको मुझे या पुष्पेंद्र के साथ ही उनको आदत थी सोने की, और धीरे धीरे मुझे आदत हटानी थी, बट वो लोग बिल्कुल भी मेरे बिना नहीं सोते थे। तो इससे ये था कि मैं अपना कुछ भी ना, जैसे अपना मूवी देखना है रात को या फिर मुझे अपना कुछ काम करना है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं करने देते थे। सो आई डिसाइडेड कि अब मुझे इनकी ना इंडिपेंडेंट स्लीप कराने की हैबिट जो है वो डलवानी पड़ेगी। तो भूमि 2 ईयर्स की थी और सिया उस टाइम पे अराउंड 5 ईयर्स की थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्टार्ट किया कि दोनों को सुलाया, और उसके बाद ना मैं बेड से उठ गई, और उसके बाद उसी रूम में ना दूसरे स्लीपिंग बैग को डालकर या कुछ और चीज़ डालकर मैं वहां सोई। और वो लोग जगे रात को चेक करने के लिए कि मम्मा है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि हाँ मम्मा है लेकिन अलग साइड में सो रही हैं। तो सबसे पहले तो अलग सुलाने के बजाय बेड से अलग मैंने सुलाना शुरू किया, एकदम से उनके रूम से बाहर सोना स्टार्ट नहीं किया मैंने, पहले उनके बेड से अलग सोना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे ना उनको आदत बन गई कि हाँ मम्मा यहीं पर सोती हैं। और उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद क्या किया मैंने कि उस रूम से बाहर मैं आके सोने लग गई और उनको सुला कर आई, और उसके बाद बाहर आके सोने लग गई। कुछ दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों ना रात को जग जाती थी कि मम्मा आ जाओ इस तरह से होता था, तो ये होगा। और फिर मैं जाती थी उनको काम करती थी कि हाँ मम्मा यहीं पे है सो जाओ, और फिर उसके बाद मैं बाहर चली जाती थी, मतलब उस रूम में मुझे नहीं सोना होता, सो दैट उनकी जो प्रैक्टिस है वो डेवलप हो। दरवाज़ा जो है वो मैं थोड़ा सा ओपन करके रखती थी, और मेरे हस्बैंड शुरू में कह रहे थे कि अरे आई थिंक इन लोगों को नहीं होगी, थोड़ा और बड़ा होने दो तब जाके हैबिट डेवलप होगी। बट मैं डिटरमाइंड थी कि नहीं, मैं इनको प्रैक्टिस करा के रहूँगी। इनफैक्ट मैंने इनकी पीडियाट्रिशियन से भी बात की थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि इनको तो इंडिपेंडेंट स्लीप की हैबिट अब तक होनी चाहिए। तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई थी वो सब मैं जो आपको बता रही हूँ यही सब चीज़ें उन्होंने भी मुझे बताई थी। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि पेशेंस के साथ ना मैं लगी रही, मतलब गिव अप नहीं किया मैंने। 1 वीक निकल गया, 2 वीक निकल गया, तो आई थिंक 2-3 वीक्स में उनको हैबिट हुई कि हाँ मम्मा नहीं है, फिर भी वो आराम से सो रही थी। और बहुत सारी कुछ और हैबिट्स हैं, स्मॉल हैबिट्स जिनको मैंने फॉलो किया, जिस वजह से उनको इंडिपेंडेंट स्लीपिंग जो है वो डेवलप हुई। तो उनमें से एक है कि फुलफिलिंग मील देना, जैसे प्रॉपर अगर डिनर हुआ हो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, प्रॉपर मील्स जब बच्चे लेने लग जाते हैं तो उनका टमी फिल रहता है और वो फिर लंबा सोते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी हो, जैसे बच्चे दिन में खेलते रहें या कहीं पार्क ले जाओ या फिर घर में थोड़ा खेलते रहें, तो बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे एक्टिव रहेंगे तो रात को टायर्ड हो जाएंगे और इससे वो जल्दी सो जाएंगे और बार बार रात को जगेंगे नहीं कि मम्मा है कि नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी वो है फेवरेट ब्लैंकेट। तो बच्चों का ना एक चद्दर फेवरेट होती है, ब्लैंकेट फेवरेट होता है, तो कोशिश करें कि वो उनका फेवरेट ब्लैंकेट में सोएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीपिंग शेड्यूल। तो एवरीडे एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ सुलाया जाए, जैसे पहले दिन 7 बजे सुला रहे हैं, दूसरे दिन 10 बजे सुला रहे हैं, एक दिन 8 बजे या 9 बजे सुला रहे हैं, तो ऐसे नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ 10-15 मिनट 15-20 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, बट एवरीडे अगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है शेड्यूल तो बच्चों को नहीं समझ में आता कि कब उनका सोने का टाइम हो रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक छोटी सी लाइट रूम में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इनकी हैबिट डालना स्टार्ट हुई थी शिकागो में, तो मैं क्लोजेट की लाइट जो है वो ऑन कर देती थी। तो क्लोजेट की लाइट ऑन रहती थी, रूम की लाइट जो है वो ऑफ रहती थी। तो इससे क्या होता था, रूम में एकदम अंधेरा नहीं होता था, और बच्चों को थोड़ा सा लाइट अगर आती रहे, फेस पे डायरेक्ट लाइट ना आए लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्राइट सा रहे, तो उनको नींद अच्छी आती है, उनको लगता है कि हाँ एकदम अंधेरा नहीं है। ओके, सो काफ़ी लोग सोने के टाइम पे रीडिंग की हैबिट डेवलप करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग हैबिट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। मैंने एज सच कोई रीडिंग की हैबिट डेवलप नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सुबह से शाम तक शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो रीडिंग या फिर जो भी स्टडी होता है वो मैं शाम के टाइम में करती हूँ, और रात के टाइम में मैंने रीडिंग की हैबिट नहीं की है। ऑल्सो काफ़ी लोग सोने से पहले शावर देते हैं बच्चों को, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं सोने से पहले शावर नहीं देती हूँ,
मैं मॉर्निंग में वार्म शावर देके उनको रेडी करती हूँ। मुझे लगता है मॉर्निंग में शावर देना ज़्यादा बेटर है, इससे बच्चों का पूरा दिन फ्रेश निकलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फॉलो की है वो शेयर कर रही हूँ। और एक और चीज़ है डे टाइम स्लीप। तो सिया तो अभी स्कूल जाती है तो उसने डे टाइम स्लीप छोड़ दिया है। भूमि अभी छोटी है तो वो सोती है डे टाइम में। तो डे टाइम स्लीप भूमि की 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे होती है। अगर 2 घंटे के बाद भूमि नहीं जगती है तो मैं बहुत ही काम तरीके से, प्यार से, धीरे धीरे उसे जगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको दिन में 3-4 घंटे सोने देती हूँ। अगर ऐसा होगा तो वो रात को कभी नहीं सोएगी। तो इसीलिए एक प्रॉपर डे टाइम स्लीप होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ऑल्सो अगर डे टाइम स्लीप लेते हैं बच्चे तो थोड़ा अर्ली आवर्स में लें तो बेटर है। जैसे भूमि जो है वो अराउंड 11:30-12 के आसपास सो जाती है क्योंकि वो जल्दी जगती है। और लेट आवर्स जैसे कि 2, 3, 4, 5 बजे शाम के टाइम में अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो जल्दी रात को नहीं सोते हैं। तो ये मैंने सिया और भूमि दोनों के टाइम पे देखा है। तो मैंने ना अर्ली आवर्स में स्लीप दी इन लोगों को, इससे कि रात को ये लोग जल्दी सोएं। ऑल्सो इसके अलावा अपने बच्चों को प्यार दिखाना हमेशा ही बहुत ज़्यादा काम करता है। तो मैं अपने बच्चों से हग करती हूँ, किस करके आती हूँ गुड नाइट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो काफ़ी सारी राइम्स हैं, आप उनको दिखा सकते हो, यू नो गुड नाइट राइम्स जो होती हैं यूट्यूब में बहुत सारी हैं। तो उसमें यूजुअली क्या होती है, मदर्स या उनके फादर्स उनको गुड नाइट किस करके, हग करके, ब्लैंकेट उड़ा के बाहर आ जाते हैं कमरे में। तो इस तरह की राइम्स अगर दिखाएंगे ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है हॉरर मूवीज। तो बच्चों के साथ हॉरर मूवीज ना देखें। हॉरर मूवीज में अगर कुछ देख लेते हैं बच्चे काफी दिन याद रखते हैं। तो हम लोग सिया और भूमि के साथ कोई भी हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। और अगर बच्चे सिख हों, जैसे सिया और भूमि अगर सिख हैं, तो मैं और पुष्पेंद्र हमेशा उनको अपने पास ही सुलाते हैं, सो दैट टेम्परेचर चेक करना हो या कोई मेडिसिन देनी हो या फिर देखना हो कि वो बेटर फील कर रही हैं कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो वो लोग बहुत जग रहे थे कि मम्मा कहाँ हो, पापा कहाँ हो, तो हम लोग ना उनको काम कर देते थे और फिर से सुला देते थे। और शुरू में ना ऐसा लग रहा था कि अच्छा यार इनको अपने साथ ही सुलाते हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट स्लीपिंग हैबिट्स नहीं सीखेंगे। बट ट्रस्ट मी, पेशेंस के साथ लगे रहिए एंड डेफिनेटली बच्चे सीख जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हैबिट और रूटीन के साथ ना चेंज ना की जा सके। तो शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्टी आई, 2-3 वीक्स ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, रात में कई बार ये लोग जग रहे थे। बट धीरे धीरे ना जब ये लोग सोना स्टार्ट हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अकम्प्लिशमेंट जैसी फील हुई कि हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट है वो हो गया है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों ने कोई हॉरर सपना देख लिया, यू नो अचानक से वो डर गए, रात को जग गए, रोने लग गए, तो वो अभी भी ऐसा होता है। अभी तो वो लोग इंडिपेंडेंटली सोना कम्प्लीटली सीख चुके हैं, बट फिर भी कभी कभी ना डर जाते हैं बच्चे। तो उस टाइम पे वो लोग ना जैसे रोते हैं तो मैं या पुष्पेंद्र उनके पास जाते हैं, शांत कराते हैं उनको, फिर से ब्लैंकेट उढ़ा के उनको सुला के, या फिर अगर पानी पीना है या फिर उनको टॉयलेट यूज़ करना है तो उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ से आ जाते हैं। और यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं अमेरिका में, वो भी यही रिकमेंड करते हैं। इनफैक्ट वो तो शुरू से ही रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को अलग सुलाया जाए, बट मैंने शुरू से इनको अलग सुलाने की हैबिट नहीं डाल पाई थी। बट लेटर ऑन हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं, तो मैंने लेटर हैबिट्स चेंज की एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी कि दोनों आराम से अलग सो जाती हैं। और एटलीस्ट मेरे को यू नो घर का जब पूरा काम खत्म हो जाता है, पूरा प्रोडक्टिव डे जाता है, तो एटलीस्ट मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होता है मुझे। और यही सारी चीज़ें गाइस जो मैंने फॉलो की इनको यू नो इंडिपेंडेंट स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप कराने के लिए। जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं कोई पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, जो मेरे ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बोल रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करें और यू नो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कुछ भी आपके क्वेरीज हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँ। आई होप कि आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का मेरा रूटीन जो है वो अच्छा लगा होगा। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग ना कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मेंशन कर दूंगी, gaurasingh28। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।